हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अधिका एंड ममास चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। और मैं दिखाती हूँ क्या स्पेशल है आज। आज मेरे ठीक पीछे आप देख रहे कैसे बलून्स लगे हैं। तो आज बर्थडे है किसका? मेरा। आज है 23rd of October। तो आज आता है मेरा बर्थडे। और ये कल रात डेकोरेट किया था जब मैं मेहंदी लगाने गई थी ना, तब इन अधिका की चाची ने, गीता मतलब गीता ने और अधिका के चाचू ने और अधिका के पापा ने, इन तीनों ने मिलके और अधिका ने मिलके ये डेकोरेशन की है मेरे रूम की। और मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं आई थी तब यहाँ लाइट बंद थी, सारे लेटे हुए थे, तो मुझे लगा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब 12 बजे थे तब इन लोगों ने मुझे सरप्राइज दिया था। और अधिका सो चुकी थी और उस समय थोड़ा सा सरप्राइज दिया था इन लोगों तो ने। फ्रेंड्स, जिस सरप्राइज की बात मैं कर रही थी वो था ये देखिए, मैं अभी अभी मेहंदी लगवा के ही आई थी और उसके बाद बज गए थे 12 और मैं बाहर से अंदर आई, मैं लेट गई, लाइट्स बंद थे जब मैं एकदम 12 बजे, तो मैंने लाइट खोल, सारे मेरे रूम में आगे देखा तो कुछ बलून्स लगे थे और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि कुछ ऐसा इन्होंने किया है। और ये सारी बच गीता के दिमाग की है और अधिका की जिद की है, क्योंकि अधिका को भी था कि मामा को सरप्राइज़ देना है। तो देखिए यहाँ पे बस केक, ये पेस्ट्रीज कट हो रही हैं और हम कैसे एंजॉय कर रहे हैं अपना बर्थडे। और अच्छा लगता है जब सारे इकट्ठे होते हैं और हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, तो मतलब छोटा सा भी कुछ फंक्शन होता है तो बड़ा, वो एकदम बड़ा हो जाता है। चाहे लोग कम हो ज़्यादा हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपकी खुशियों से फ़र्क पड़ता है कि आप खुश हुए कि नहीं। तो मैं तो बहुत खुश हुई सरप्राइज़ को देख के, और मतलब बोलते हैं ना, और ये पेस्ट्रीज भी देखिए, मतलब अधिका के पापा अपनी तरफ से एक लेके आए थे कि उनको था कि मुझे 12 बजे जैसे अपने रूम में, जैसे छोटा सा होता ना एक हस्बैंड वाइफ की सेलिब्रेट किया और हो गया। लेकिन अधिका के चाचू भी अपनी तरफ से लेके आए थे और वो एक नहीं, वो 4 लेके आए थे। तो हमारे रूम में कुल 5 पेस्ट्रीज हो गई थी और हमने जितना कट किया और इन्जॉय किया। बाकी हमने 2 पेस्ट्रीज रहने दी क्योंकि अधिका सो चुकी थी और उसको तो काफ़ी देर से हो रहा था कि नहीं, हमने तो रात को भी सेलिब्रेट करना है, ये करना है। तो लेकिन वो बेचारी सो गई। फिर अगले दिन जब उठी तो फिर मैंने उसके साथ भी पेस्ट्रीज को कट किया और बस ऐसे ही चलता रहा हमारा, एक दूसरे को पेस्ट्रीज खिलाई और बस सेलिब्रेट किया। ये अधिका के चाचू भी बैठे थे क्योंकि वो भी, उनको भी नींद आ गई थी, लेकिन फिर वो भी उठ गए कि भाभी आ गए हैं मेहंदी लगवा के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है और इस बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए मैं तो, मैंने बोला है, मैंने अधिका की चाची, मैंने बहुत बहुत थैंक यू भाई, ये तो फर्स्ट बर्थडे मेरा इतना अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है। फर्स्ट वाला भी मेरे आज काफ़ी अच्छे से हुआ, पर ये भी, ये वाला इस तरीके से हुआ तो ये अलग ही हो गया है। और हम यहाँ एक की पेस्ट्री को इन्जॉय करते जबकि मेरे दोनों हाथों में मेहंदी लगी थी, पर हमने चलो कोई ना, एक दिन तो चलता है ये सब। और थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, बस ऐसे ही चलता रहा क्योंकि गीता की भी मेहंदी लगी हुई थी बस उसकी पर, लेकिन उसकी सूख चुकी थी, मेरी जस्ट अभी लग के ही आई थी मैं। तो आगे देखना फ्रेंड्स, मैं अधिका के साथ कैसे सेलिब्रेट करती हूँ। कह रही कि मम्मा मेरे साथ भी कट करो, तो अभी हम बस जस्ट जो बची हूँ मैं इसको खिला देती हूँ ताकि उसको भी अच्छा लगे, क्योंकि उसने भी बहुत मेहनत करी अपनी चाची के साथ, बहुत दिन से लगी थी सरप्राइज सरप्राइज। तो बहुत अच्छा सरप्राइज था कल रात का, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो चलिए हम खाते हैं पेस्ट्रीज और मैं दिखाती हूँ अधिका को। हाँ अधिको, कहाँ आई? आपको पता है कल मम्मी का बर्थडे, इन लोगों ने रात को सेलिब्रेट किया है ना, और अधिका को तो दिया भी नहीं है ना। तो अभी हम ये 2 पेस्ट्रीज जो हमने बचा के रखी हैं, आधी तो चियू ने, अधिका ने खा भी ली है और आधी मम्मा उसको खिलाएंगी है ना। कौन सी वाली, व्हाइट वाली की चॉकलेट वाली, ये यहाँ से खिलाऊं? तो मम्मा खिलाएगी अपनी प्रिंसेस को। मम्मा को हैप्पी बर्थडे बोलो। और कौन खिलाएगा मम्मा को? व्हाइट वाला, ये क्योंकि अधिका को सबसे ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि वो काफी दिन से देख रही है कि मम्मा का बर्थडे बर्थडे बर्थडे, तो आज फाइनली वो डे आ गया है ना। पिट्टी हो जाएगी।
तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं पार्टी की शुरुआत। और ये जो हमारे छोटी सी बर्थडे पार्टी रखी गई थी उसकी जो डेकोरेशन थी व्हाइट एंड पिंक कलर के बलून के साथ की थी, और ये की थी गीता और अधिका ने, दोनों ने मिलके की थी। और यहाँ पे रख दिए के हैं दो केक, एक है बटर स्कॉच में और एक है रेड वेलवेट, दोनों हार्ट शेप में, और बहुत सुंदर लग रहे थे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे। तो हमने सोचा दो अलग अलग फ्लेवर्स के लिए जाएँ, तो हमने वैसे लिया है और अच्छे लग रहे थे, खाने में भी अच्छे थे। और यहाँ पे मैंने तैयार होके बिल्कुल रेडी थी अपना केक कट करने के लिए। और जो मैंने कुर्ता पहना था ये मुझे गीता ने गिफ्ट किया था, मैंने आपको पहले ही बताया ब्लॉग में। और यहाँ पे अधिका और आरव भी मेरे साथ आए हैं केक कट करने के लिए, इनको भी बड़ा खुश। मैंने बोला ना हमारे घर में कोई भी बर्थडे होता, कोई एनिवर्सरी, कोई केक से रिलेटेड कोई भी सेलिब्रेशन होता है तो ये दोनों सबसे आगे होते हैं। और पर बच्चों के बिना अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि मोस्टली तो इन्हीं के लिए सब कुछ होता है। और अधिका को देखिए, उसके बाद अरब अधिका सा केक कट करने के बाद मैंने इन दोनों को खिलाया। और अधिका की आपने मस्ती देख ली होगी, कैसे कितनी एक्साइटेड है, उसकी आवाज़ से ही पता चल रहा है। और यहाँ हर समय की तरह इस टाइम पे भी अधिका बहुत एक्साइटेड है केक कब कटे और कब मेरे मुंह में जाए, तो उसको बिल्कुल इंतज़ार नहीं है। ये देखिए ये झपटी अधिका। और ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है केक कटिंग में, कि जब दोनों इतने मतलब उत्सुकता भरी नज़रों से देखते हैं ना उस केक को कि सबसे अच्छा ये मूवमेंट होता है कि चलो यार बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। और ये मैंने बारी बारी से थोड़ी थोड़ी केक निकाला और दोनों पहले सबसे पहले दोनों बच्चों को खिलाया। ये देखिए अधिका की एक्साइटमेंट कितनी बढ़ती जा रही है, मुझे तो डर था कहीं ये ऐसे उछल कूद करें केक ही ना गिरा दें, क्योंकि कई बार होता है ऐसे, कई बार होता नहीं है हमारे घर में तो कई बार हो भी चुका है कि ये दोनों कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। पर चलो आज कोई गड़बड़ नहीं की और अच्छे से बिल्कुल खड़े थे मेरे बगल में, कोई शैतानी नहीं, थोड़े बहुत हंसी मजाक तो चलता ही है। पर मतलब सब बहुत बढ़िया हो गया, जैसे कि कल आज 23 तारीख थी और उसके बाद 24 तारीख, मतलब 24 तारीख को करवा चौथ था, तो हम ये था कि करवा चौथ की भी तैयारी करनी थी कि अगले दिन जल्दी उठना, सब कुछ पूजा पाठ जो भी था सब करना था, तो हम फटाफट कर रहे थे कि चलो भाई सब फ्री हो जाएं तो आराम कर लेंगे ताकि सुबह जल्दी उठ पाएं। और ये देखिए अब आरा मुझे खिला रहा है केक। और ये मैंने आरव को खिलाया। ये देखिए अधिका का मुंह देखिए। फिर मैंने उन दोनों को साइड में किया, फिर अधिका के दादाजी आए, उनकी बारी थी केक खिलाने की, तो थोड़ा शर्म सी भी आ रही थी कि हाँ ये लोग मुझे हंसा रहे थे। और मैं होता है ना थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है। एक फनी मोमेंट तो बन ही जाता है कुछ ना कुछ, मुझे शर्म भी बहुत आ रही थी उनको खिलाने में कि अजीब लगता है। तो ये बर्थडे पार्टी हो चुकी है ख़त्म, डिनर भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, केक भी कट कर लिया है, आपको थोड़ा थोड़ा क्लिप्स देखने को मिलेंगी। और अब टाइम है करवा चौथ सेलिब्रेट करने का,
जो कि है कल, मेरे बर्थडे ठीक एक दिन बाद। और आज पूरा दिन थक गए, कल रात से मेरा बर्थडे शुरू हो गया था। मैंने जैसे बताया था रात को उन्होंने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया था छोटा सा, वो भी देखने को मिलेगा आपको इस ब्लॉग में, छोटे से ब्लॉग में, ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन बहुत मज़ा आया, पहले मैं सुबह उठे, काम वाम किया, थोड़ा मंदिर गई, पूजा की, फिर उसके बाद मैंने बताया था ना मैं मार्केट गई थी, मैंने गीता ने मुझे दो कुर्ते गिफ्ट किए थे, उनमें से एक मुझे थोड़ा सा फिटेड था, तो मुझे लगा उसको मैं एक्सचेंज कर लेती हूँ, मुझे वो वाइट भी था, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा था, तो मैं इसके बदले लेके आई ये वाला कुर्ता जो मैंने आज पहना है। तो मैं इसमें एक पूरा फुल फोटो डालूंगी अपना, तो आप देखना कैसे लग रहा है ना। बाकी ये कि मेरे बर्थडे गिफ्ट था कि करवा चौथ का गिफ्ट था, तो देखते हैं क्या बोलती है। और फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा ब्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और लाइक एंड कमेंट्स तो ज़रूर करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे आप लोगों को। और मिलते हैं आप करवा चौथ वाले व्लॉग में, तो तब तक ले बाय। और लास्ट में लगाई हैं फ्रेंड्स मैंने कुछ फ़ोटोज़, तो फ्रेंड्स देखिए आप, इनको एंजॉय करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।